हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, यानी कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी गिव अप करना ही है। ठीक है, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। सबसे जो श्योर शॉट तरीका सक्सेस का है वो एक और बार प्रयास करने का ही है। ठीक है, देखो भाई, ये सिर्फ आपके एग्जाम्स को लेके, पढ़ाई को लेके नहीं है, आपके लाइफ में किसी भी मुकाम पे, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप किसी रिलेशन में है, कोई भी फैमिली रिश्ता है, हर जगह पे ये चीज़ काम आती है कि गिव अप करने से सिर्फ हमारी वीकनेस ही जाहिर होती है। अगर आप एक और बार प्रयास करेंगे, एक और बार ट्राई करेंगे, एक मौका और देंगे, तो वही आपको सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। That is reading comprehension and practice exercise for SSC CGL mains. Halfway through the financial year, India's gross revenues from the goods and services tax GST stand at over 9.92 lakh crore हो रहे हैं। अभी आधा ही साल बीता है, आधा साल हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, आधा साल हो चुका है। हमें पता है अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च तक रहता है। ठीक है, तो इंडिया का जो ग्रॉस रेवेन्यू आया है जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से, स्टैंड ओवर वो कितना है, 9.92 लाख करोड़ से ऊपर है, मार्किंग एन 11.1% इंक्रीज ओवर कलेक्शंस बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर 2022। जिसका मतलब है कि अप्रैल से लेके 2022 सितंबर की अगर बात करें, 2022 अप्रैल से लेके 2022 सितंबर की बात करें, तो तब से कंपेयर करें अभी का जो 2023 अप्रैल से लेके 2023 सितंबर का, तो हमारा जो है पिछले साल के मुकाबले 11.1% का इंक्रीज हुआ है। द एवरेज मंथली रेवेन्यूज इन 2022-23 आर अ हेल्दी 1,65,418 करोड़, विद फोर ऑफ द सिक्स ओकेजन्स दैट द जीएसटी किटी हैज ग्रॉस्ड 1.6 लाख करोड़ अकरिंग इन दिस फिस्कल। अब होता क्या है, जैसे अगस्त महीने में जो भी लेन देन हुआ तो उसका जीएसटी कलेक्शन सितंबर में आएगा। अब जो एवरेज मंथली रेवेन्यू 2023-2024 के लिए रहा वो 1,65,418 करोड़ रहा। ठीक है, और जो अभी तक जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है, कलेक्शन जीएसटी का करना स्टार्ट हुआ है, इफेक्ट में आया है, तब से लेके अभी तक 6 times हमने 1.6 लाख करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करा है, और उन 6 में से 4 तो इसी साल का है, यानी कि 6 times हमने 1.6 लाख करोड़ जो है वो ऊपर किया है, मतलब इससे ऊपर हमने कलेक्शन करा है, और उन 6 times में से 4 times जो है वो केवल 2023 का ही डेटा है। ठीक है, एट ऑलमोस्ट 1.63 लाख करोड़ सितंबर जीएसटी कलेक्शंस वर अ टैड बिलो द एवरेज। तो 1.63 लाख करोड़ हुआ जो कलेक्शन सितंबर का, जो जीएसटी कलेक्शन रहा वो जो हमारा एवरेज था उससे कुछ कम रहा। हमारा एवरेज कितना निकल कर आ रहा है, 1.65 रह रहा है। ठीक है, और ये कितना हुआ, 1.63 हुआ, तो यानी कि थोड़ा सा कम था, बट 2.3% ओवर अगस्त इनफ्लोज दैट हैड मार्क्ड अ 3 month लो। लेकिन अगस्त में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था उससे 2.3% ही अबव रहा, यानी कि अगस्त में सबसे कम कलेक्शन हुआ जिसने कि 3 महीनों का निचतम कलेक्शन किया था। ठीक है, विद द फेस्टिव सीजन किकिंग इन, कलेक्शंस ओवर 1.6 लाख करोड़ में परसिस्ट थ्रू दिस क्वार्टर। अब क्योंकि आगे आने वाले अक्टूबर नवंबर, इनमें क्या है, त्यौहार है, दिसंबर में भी त्यौहार, जैसे कि छुट्टियां वगैरह या फिर क्रिसमस हो गया, ये सब त्यौहार रहेंगे, तो बोल रहे हैं कि फिर अगले तीन आने वाले जो 3 महीने हैं, जो अगला क्वार्टर है, उसमें भी जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1.6 लाख करोड़ से ऊपर ही होने के अनुमान है। द गवर्नमेंट appears comfortably placed regarding GST revenues in the fiscal contest. अगर हम financial year की बात करें, पैसे की बात करें, तो उसके लिए government जो है निश्चिंत है, उसको GST collection से, revenue से अच्छा खासा ही आ रहा है, तो उससे वो निश्चिंत है। With room to spare for some moderation in inflows during January to March 2024 quarter. अब अगर January, क्योंकि हमें पता है आगे आने वाले 3 महीने जो ये quarter है, October से December तक का जो quarter है, इसमें भी अच्छा ही collection होगा, हमने ये अनुमान लगा लिया है,
लेकिन ये हो सकता है कि जनवरी से मार्च तक का जो क्वार्टर है 2024 का, उसमें कम हो कलेक्शन। तो बोल रहे हैं अगर उसमें कम भी होता है कलेक्शन तो भी हमें इतनी चिंता करने की बात नहीं है, सरकार जो है निश्चिंत है, क्योंकि उसमें अगर कम कलेक्शन होते हैं तो भी परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्यों कम कलेक्शन होने की बात की जा रही है, क्योंकि व्हेन द सेंट्रल बैंक एक्सपेक्ट्स रियल जीडीपी ग्रोथ टू स्लो टू 5.7% फ्रॉम 7.8% इन फर्स्ट क्वार्टर, जो कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर में जीएसटी ग्रोथ था 7.8% का, उससे कम होके ये जनवरी से मार्च 2024 का जो क्वार्टर है उसमें 5.7% रहने की एक्सपेक्टेशन है, इतनी उम्मीद की है सेंट्रल बैंक ने। ठीक है, यानी कि ग्रोथ स्लो होगी। बियॉन्ड द मैक्रो रेजिलियंस दैट दीज नंबर्स इंडिकेट, अब बड़े तौर पे जो मजबूती ये नंबर्स दिखा रहे हैं उसके परे अगर हम देखें, अ फ्यू एरियाज ऑफ कंसर्न डिजर्व क्लोजर स्क्रूटनी फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स एंड द जीएसटी काउंसिल। तो हमने ये तो देख लिया कि हाँ मोटा मोटा कलेक्शन बड़ा अच्छा हो रहा है, हमें जीएसटी से बड़ा फायदा आ रहा है, बड़ा पैसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये मैक्रो रेजिलियंस यानी कि व्यापक तौर पे इसमें जो मजबूती देखी गई है उसको अगर छोड़ दें, तो कुछ ऐसे चिंताजनक पॉइंट्स इसमें भी जीएसटी कलेक्शन में भी सामने आए हैं जिनके ऊपर पॉलिसी मेकर्स को दोबारा जांच करनी चाहिए, कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और जीएसटी काउंसिल को भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, विच कन्वीन्स टूडे, जो कि अब से आज से आयोजित की जा रही है। ठीक है, वन देयर इज अ डिसर्नेबल स्लो डाउन इन द ग्रोथ ऑफ जीएसटी इनफ्लोज, बोल रहे हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप में कमी आई है, जीएसटी इनफ्लोज में कमी आई है, विच ड्रॉप टू 10.2% इन सितंबर, द स्लोएस्ट अपटेक सिंस जुलाई 2021, जो कि 10.2% तक गिर चुका है सितंबर महीने में, जो कि 2021 जुलाई से लेके अब तक का सबसे निचतम या सबसे सुस्त स्पीड है। ठीक है, The average growth between July and September dipped to 10.6% in the second quarter from 11.5% in first quarter. अब दूसरी चिंता की बात ये है कि पहला क्वार्टर यानी कि अप्रैल मई जून इन इसमें इन महीनों में क्या हुआ था कि 11.5% का हमने कलेक्शन करा था, जो कि उस इतनी ग्रोथ हुई थी, जो कि जुलाई से लेके सितंबर के क्वार्टर में 10.6% गिर गई, यानी कि 10.6% पर आ गिरी। ग्रोथ फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन एंड सर्विसेस इम्पोर्ट्स हैज स्लोड टू 14%। अब आपको पता है ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, और हमने पहले ही पता लगाया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सो मच सो कि सर्विसेज सेक्टर में भी स्लो डाउन देखने मिलेगा, और वही चीज यहाँ पे पॉइंट आउट की जा रही है कि डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन और सर्विसेज इम्पोर्ट्स में स्लो डाउन देखा गया है 14% का ओवर द पास्ट 2 मंथ, पिछले 2 महीनों में, फ्रॉम 18% इन जून, जो कि जून महीने में 18% था। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट रेवेन्यूज इन सेप्टेम्बर बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन अंडरटेकन इन ऑगस्ट ऑल्सो इंक्लूड पेंडिंग ड्यूज फ्रॉम बिजनेसेस सिंस द स्टार्ट ऑफ द जीएसटी रिजिम इन 2017-2018 एज द डेडलाइन टू रेमिट देम वॉज सेप्टेम्बर 30। बोल रहे हैं कि ये बात भी इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि जो रेवेन्यू सितंबर में कलेक्ट हुआ है वो बेसिकली अगस्त महीने की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके बेस पे हुआ है, जिसमें कि वो पेंडिंग ड्यूज भी शामिल थी जो 2017-18 के दौरान में जीएसटी के कलेक्शन में या जीएसटी भरने में जो कुछ पेंडिंग ड्यूज रह गई थी कुछ बिजनेसेस की कि भाई नहीं भर पाए, उनको भी एक डेडलाइन दी गई थी कि 30 सितंबर तक अपने जीएसटी जो भी भरना है आपने वो भर दो। ठीक है, जो भी आपका बकाया है वो भर दो। तो ये जो सितंबर महीने के आंकड़े हैं इसमें वो जीएसटी भी है इंक्लूडेड। ठीक है, मोर ओवर ई इनवॉइसिंग बिकेम मैंडेटरी फॉर ऑल फर्म्स विद अ टर्नओवर ऑफ ओवर 5 करोड़ सिंस अगस्त 1। बोल रहे हैं अब अगस्त 1 से मतलब ई इनवॉइसिंग सभी के लिए मैंडेटरी हो गई थी सारी कंपनीज के लिए, जिसकी वजह से टर्नओवर 5 करोड़ का जो टर्नओवर है अगस्त 1 से लेके अब तक का हुआ है। सो देयर वॉज अनदर कंप्लायंस पुश एट वर्क, यानी कि एक और फैक्टर था जो इसके लिए काम कर रहा था, जो इसमें काम कर रहा था, यानी कि जो हमारा सितंबर का डेटा आया है 1.63 करोड़ का, उसमें केवल अगस्त महीने के कलेक्शन नहीं है, उसमें क्या बोलते हैं कि जो पहले के हमारे कलेक्शंस हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये भी उसमें काम कर रहे हैं।
Distilling these effects is necessary to gauge the extent of growth that stemmed from actual consumption and production upticks. बोल रहे हैं तो इनमें से जो essential जरूरी चीजें हैं उनको निकालना, किस चीज में से, दीज इफेक्ट्स, इन इफेक्ट्स में से जो जरूरी चीजें हैं उनको निकालना ये बहुत जरूरी है. टू गॉश, किस चीज के लिए, ताकि हम माप सकें कि किस हद तक जो ग्रोथ है उस वो स्टेम हुई है, ठीक है, फ्रॉम एक्चुअल कंजम्पशन. एक्चुअल कंजम्पशन की वजह से किस हद तक ग्रोथ जो है वो बढ़ी है या उत्पन्न हुई है, एंड प्रोडक्शन अपटिक्स, और प्रोडक्शन में इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है. That a record 9.3 crore e-way bills generated during August did not translate into the highest ever revenues may suggest that transaction sizes have shrunk. बोल रहे हैं कि अब जो record 9.34 crore e-way bills generate हुए August महीने में, वो highest ever revenues नहीं generate कर पाए, ठीक है, उनके तहत हमें उम्मीद थी कि e-way bill से ज़्यादा revenue आएगा, but वो highest revenue नहीं हुआ. और ये एक तरीके का इशारा है कि जो ट्रांजेक्शन साइजेस हैं वो कम हुए हैं. उदाहरण के तौर पे वो ट्रांजेक्शन साइजेस जो हैं वो कम हुए हैं. अनदर पजलिंग ट्रेंड इज सीन इन रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स इम्पोर्ट्स दैट हैव श्रंक 4 times दिस ईयर. और दूसरा एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा कुछ ट्रेंड देखने मिल रहा है, वो क्या है कि जो रेवेन्यूज गुड्स इम्पोर्ट से आ रहे हैं उनमें भी गिरावट आई है, 4 गुना गिरावट आ गई है इस साल में, ठीक है, यानी कि जो हम गुड्स इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से खरीदते हैं, उनके रेवेन्यूज, उनके टैक्सेस के ऊपर भी गिरावट आई है. ऑफ कोर्स द लोअर गुड्स इम्पोर्ट बिल्स रिकॉर्डेड दिस ईयर विल रिफ्लेक्ट इन लोअर जीएसटी टैक्स. बोले जाहिर सी बात है, अगर तो गुड्स इम्पोर्ट कम होंगे तो कम जीएसटी ही आएगा, है ना, ये तो बात जाहिर है. लेकिन हाउएवर इम्पोर्ट्स हिट अ 9 month हाई ऑफ $58.6 billion इन अगस्त. लेकिन इसका उल्टा हुआ है. हुआ क्या है, हालांकि जो इम्पोर्ट बिल्स हैं वो 9 महीने के सबसे उच्चतम स्तर $58.6 billion तक पहुंच गए हैं अगस्त महीने में, यानी कि इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है. 10.75% ओवर जुलाई इम्पोर्ट बिल, जो कि जुलाई महीने से भी 10.75% ज़्यादा है. येट रेवेन्यूज कलेक्टेड इन सेप्टेम्बर वर 5.7% बिलो द प्रीवियस मंथ्स की थी. लेकिन अब देखो इम्पोर्ट बिल्स, यानी कि इम्पोर्ट्स जो हुए हैं वो जुलाई महीने से 10.75% ज़्यादा है, लेकिन उन्हीं 10.75% और पूरे ओवरऑल इम्पोर्ट के ऊपर जो टैक्स कलेक्ट किया गया है वो केवल 5.7% कम, मतलब वो 5.7% कम है पिछले महीने के जुलाई के मुकाबले में, यानी कि टैक्स की यहाँ पे किसी तरीके की चोरी की गई है. दिस डज नॉट एड अप, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है. अथॉरिटीज must dig deeper to check for revenue leakages from imports. तो अथॉरिटीज को और गहराई से उसको जांचने की जरूरत है, और गहराई से उसमें जांच पड़ताल करने की जरूरत है कि ये जो लीकेजेस है, रेवेन्यू लीकेजेस मतलब कि घोटाला, इसमें जो चोरी या कमी आ रही है इम्पोर्ट्स के ऊपर, वो कहाँ आ रही है, ठीक है. तो ये था पैसेज. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू पैसेज हाउ डज द सितंबर 2023 जीएसटी कलेक्शन कंपेयर विद अगस्त कलेक्शन. बोल रहे हैं सितंबर का कलेक्शन अगस्त के महीने से के कंपैरिजन में क्या हुआ है, तो अगस्त के महीने के कंपैरिजन में वो बढ़ा है, राइट. सो इट वॉज हायर बाय अप्रोक्सीमेटली 2.3%. करेक्ट है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइन लिखी हुई है, बट 2.3% ओवर ऑगस्ट इनफ्लोज दैट हैड मार्क्ड अ 3 month लो. ठीक है, तो ये बड़ा है उसके कंपैरिजन में. अंडरस्टूड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द जीएसटी ग्रोथ रेट बेस्ड ऑन द पैसेज. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है ग्रोथ रेट के बारे में जीएसटी के. ठीक है, द ग्रोथ ऑफ जीएसटी इनफ्लोज इंक्रीज टू 10.6% इन सेकेंड क्वार्टर फ्रॉम 11.5% इन फर्स्ट. अब 11.5% से 10.6% ज्यादा होता है या कम होता है, 10.6% कम होता है ना, तो इंक्रीज कैसे हुआ, यानी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. बिकॉज 10.6% अगर आप मेंशन कर रहे हो 11.5% से 10.6% पे चेंज हुआ है तो वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है.
The slowest uptake of GST inflows since July 2021 was observed in September with a growth rate of 10.2%. Correct है ये कि ये जो September महीने में GST देखा गया, collect हुआ, वो अभी तक July 2021 से लेके अभी तक का सबसे निचतम था. So option B is correct. Which of the following trends regarding revenues from goods imports is puzzling based on the information provided? तो उन्होंने क्या बोला था कि एक और जो puzzling बात है देखने वाली वो ये है कि imports तो 9 month के higher पे हो गए हैं, import bills तो 9 month higher पर है, लेकिन GST collection उतना नहीं हुआ. GST collection तो पिछले महीने के मुकाबले भी कम हुआ है. ठीक है, ये उन्होंने बोला goods imports have increased every month this year. ऐसा नहीं है. Despite a higher import bill in August, the GST collection in September was 5.7% below the previous month's collection. Correct है ये? So option B is correct. What is the tone of the second paragraph? अब देखो second paragraph में हमने comparison करा है कि भाई पिछले साल के मतलब जो पिछले महीने का GST आया था उसमें उसके मुकाबले में इस साल का GST कम हुआ अगर बात करें इंपोर्ट बिल्स की. ठीक है, तो वो काफी एनालिटिकल एक एनालिसिस दे रहा है. ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव नहीं है, एनालिटिकल है, पेसिमिस्टिक नहीं है, एप्रिशिएटिव नहीं है. ऑप्शन बी एनालिटिकल इज करेक्ट. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द एंटायर पैसेज? मुख्य थीम क्या है? तो हमने पूरे इसके ऊपर जीएसटी के बारे में इन डेप्थ उसकी चर्चा करी है कि भाई इस महीने का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ पिछले महीने के कंपैरिजन में कैसे था, पिछले साल के कंपैरिजन में कैसे था, आगे आने वाला कैसा होगा. ठीक है, और फिर उसके अलावा हमने इम्पोर्ट के ऊपर जो इम्पोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगते हैं उनके ऊपर बात करी. ठीक है, तो हमने इन डेप्थ एनालिसिस करा. द बेनिफिट ऑफ द जीएसटी सिस्टम, उसके बेनिफिट्स के बारे में हमने बात नहीं करी. द फिस्कल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो अभी हमने उसके स्टार्टिंग के कुछ महीनों के बारे में बात करी है, पूरी परफॉर्मेंस उसकी एंड में देखने मिलेगी जब खत्म हो जाएगा. हाँ, लेकिन स्टार्टिंग के अप्रैल से लेके अभी तक का कलेक्शन हमने जरूर बताया है, बट हमने पूरी परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं करा है. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. An in-depth analysis of the inconsistencies in the GST reports. Option C correct है. The introduction of e-invoicing and its effects. तो इसके बारे में हमने जरूर एक दो लाइनें कही हैं कि e-invoicing भी लागू कर दिया गया था जिसके वजह से so and so GST collection हुआ जो कि so and so demand जो हमने expect किया था उसके according नहीं था. ठीक है, बस इतनी सी बात हुई. उसके अलावा जो मुख्य पूरा का पूरा पैसेज है वो GST रेवेन्यू कलेक्शन में जो समानता देखने मिल रही है उसके बारे में बात की गई है. ठीक है, पैरा जंबल का क्वेश्चन है. ठीक है, रीअरेंज करना है. अराउंड 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इन द नेशनल कैपिटल रीजन हैज अ हाई रिस्क ऑफ लैंड सब्सिडेंस. बोल रहे हैं 100 किलोमीटर का एरिया NCR, नेशनल कैपिटल रीजन NCR, दिल्ली NCR बोलते हैं ना, तो दिल्ली NCR का जो इतना 100 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो हाई रिस्क पर है. किस चीज के? लैंडस्लाइड्स के, जमीन खिसकने के. विद द लार्जेस्ट ऑफ दीज ऑफ अराउंड 12.5 स्क्वायर किलोमीटर इन दिल्ली कापाशेरा एरिया बोल रहे हैं, और इसमें से सबसे बड़ा जो एरिया लगभग 12.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो दिल्ली के कापाशेरा एरिया में है. दिस न्यूज रिपोर्टेड न्यूज़पेपर रिपोर्टेड ऑन ट्यूजडे कोटिंग अ साइंटिफिक स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर. ये इस न्यूज़पेपर ने बताया बुधवार मंगलवार को, और इन्होंने किसका हवाला दिया, नेचर में पब्लिश की गई, नेचर कोई होगी एजेंसी होगी उसमें पब्लिश की गई एक साइंटिफिक स्टडी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशंस प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट इन December 2021. अब आपको पता है CAG CAG की रिपोर्ट आई है, CAG की रिपोर्ट आई है बोलते हैं, वो CAG क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो CAG की रिपोर्ट के अनुसार जो कि उन्होंने किसके ऊपर करी थी, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और रेगुलेशन के ऊपर उन्होंने एक ऑडिट करा था जो उन्होंने पार्लियामेंट में December 2021 में प्रेजेंट करी. उसके अनुसार यूजिंग 2013 टू 2018 जिसमें 2013 से 2018 तक का डेटा था, सेड that 8 states have violated the national level targets of groundwater extraction.
वैसा ही पर स्टेट में हमने एक टारगेट लेवल डिसाइड किया हुआ है कि ग्राउंड वाटर आप इतना ही निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ग्राउंड वाटर नहीं रिप्लेनिश कर पाएंगे, दोबारा से वो वापस नहीं आ पाएगा, तो ग्राउंड वाटर भी एक तरीके से आप समझ लो जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स है ना, वैसा ही है। बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, जितना ज्यादा सीपन कर पाएंगे कर पाएगा पानी, उसके बाकी जो सारा है वो बह जाएगा, ठीक है। और ये ग्राउंड वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी जमीन को मॉइस्ट रखता है। हम जैसे कुएं खोदते हैं वो, या फिर जो हैंडपम्प्स वगैरह लगाते हैं, वो यहीं से पानी निकलता है, वो कोई जादू से, कोई मैजिक से पानी नहीं जमीन से आ जाता, वो ये ग्राउंड वाटर टेबल से ही पानी आता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि 8 स्टेट्स देश में ऐसे हैं जिन्होंने जो नेशनल लेवल टारगेट्स हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के, उनका उल्लंघन कर चुके हैं, उनसे ऊपर वो जा चुके हैं। दिल्ली इज वन, और उनमें से एक दिल्ली भी है, जबकि दिल्ली स्टेट नहीं है, यूटी है, बट वो भी है, इतना छोटा सा यूटी बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लैंड सब्सिडेंस अकर्स व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्वीफर्स। एक्वीफर्स एक तरीके का, आप जमीन के सतह के अंदर का एक रॉक बोल लीजिए या फिर एक लेवल बोल लीजिए, कि इस लेवल पर जाके जो है पानी क्या करता है, ये ऐसा जगह है जहां पे पानी, बारिश का पानी रिस के जमा हो जाता है, इससे नीचे सीपन नहीं करता, पास नहीं करता, यहाँ पे जमा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हम जब पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इस लेवल पर पहुंचेंगे तो हमें पानी मिल जाएगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं लैंड सब्सिडेंस, यानी कि यहाँ पे जमीन धसने की जो घटनाएं हैं वो तब होती हैं जब ग्राउंड वाटर जो है एक्वीफायर से पूरी तरीके से निकाल लिया जाए, ठीक है, तब होती है घटनाएं। उत्तराखंड में भी ऐसी घटनाएं देखने मिली जहाँ पे पूरा का पूरा एक गांव जो है उसको रीडेवलप किया जा रहा है, वहां से लोगों को हटा दिया गया क्योंकि जमीन और मकानों में बड़ी बड़ी दरारें देखने मिली हैं। उसके लिए भी अनुमान लगाया जा रहा है, इनिशियल शुरुआती रिपोर्ट में यही सामने आया है, शुरुआती जो आंकलन किया गया है उसमें यही लग रहा है कि क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है हद से ज्यादा, इसलिए शायद ये स्थिति हो गई होगी उत्पन्न। इन एडिशन, नीति आयोग कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2019 आइडेंटिफाइड दिल्ली एज अ लो परफॉर्मिंग स्टेट व्हेन इट कम्स टू वाटर मैनेजमेंट। बोल रहे हैं नीति आयोग की कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया है कि दिल्ली जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है जब बात करें वाटर मैनेजमेंट की। The alarming rate of groundwater depletion has been a problem in the capital for years due to population growth and high urbanization. बोल रहे हैं एक बड़ा ही चिंताजनक रेट सामने आया है ग्राउंड वाटर के डिप्लीट होने का, जिसके हैज बीन अ प्रॉब्लम, जो कि कैपिटल में बड़े लंबे समय से, बहुत सारे सालों से एक समस्या है, प्रॉब्लम है, ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि वहां पे आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, एंड हाई अर्बनाइजेशन, और वहां पे क्योंकि शहरीकरण भी बहुत तेजी से हो रहा है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, तो इसीलिए वहां पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है वो बहुत ही चिंताजनक स्तर से बढ़ रहा है। In 2021, a central groundwater board report stated Delhi's groundwater levels were declining at the rate of 0.5 to 2 meters each year and that 825 square kilometer of Delhi's total area, बोल रहे हैं कि एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली का जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो तेजी से घट रहा है, और कितना तेजी से घट रहा है, 0.5 टू 2 मीटर्स पर ईयर, हर साल 0.5 से 2 मीटर घट रहा है, एंड दैट 825 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ दिल्ली टोटल एरिया ऑफ 1483 स्क्वायर किलोमीटर इज सुटेबल फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। यानी कि पूरा दिल्ली का टोटल एरिया कितना है, 1483 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से केवल 825 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का ही एरिया है जो ग्राउंड वाटर को आर्टिफिशियल तरीके से रिचार्ज कर सकता है। अब वो कैसे किया जाता है, बारिश के पानी के लिए टैंक बनाए जाते हैं, उनको सीपने दिया जाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा पानी तो बह जाता है, वापस नदी नालों में बह जाता है, बट अगर उसको पानी को सोर्स करने दिया जाए जमीन द्वारा, और हर जगह की जमीन नहीं कर सकती, देखो जैसे पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे जो बारिश होती है वो सोर्स नहीं कर सकती, वो तो बह जाती है। जो प्लेन का इलाका है, प्लेट्यू इलाका है, प्लेन का इलाका है, वहां पे भी हर जगह की जमीन सोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि हर जगह पे जो एक्वीफायर्स की बात की जा रही है वो मौजूद नहीं होते, ठीक है।
तो बाकी जगह का पानी क्या है वो बह जाता है, बट जिस जगह पे एक्वीफर्स मौजूद है वहां पे पानी इधर इकट्ठा हो जाएगा और वहीं से ये ग्राउंड वाटर टेबल जो है रिप्लेनिश हो पाएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा होगा, जहाँ पे हमने NCR के इलाके की बात करी है, ठीक है, कि वहाँ पे लैंड सब्सिडेंस होने का हाई रिस्क है, ठीक है, 100 किलोमीटर का इलाका है। क्यों होगा? क्योंकि इसके आगे जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो ग्राउंड वाटर के बारे में बताती हैं। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन कमेटी, जिसने बताया कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन किया है, ठीक है, तो हमने ये ग्राउंड वाटर तक पहुंचे कैसे? जब हमने इंट्रोड्यूस किया कि लैंड सब्सिडेंस होगा और फिर बताया कि लैंड सब्सिडेंस का मतलब क्या होता है। लैंड सब्सिडेंस का मतलब होता है, तब होता है लैंड सब्सिडेंस जब ग्राउंड वाटर जो है वो एक्वीफायर से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में किया जाता है, तब होता है ये चीज, ठीक है। तो उसके बाद में फिर ग्राउंड वाटर की बाकी डिटेल्स के ऊपर आए कि कौन सी रिपोर्ट ने क्या बताया है ग्राउंड वाटर के बारे में, ठीक है। तो यानी कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है और ए के बाद में सेकंड स्टेटमेंट आएगा जहाँ पे इस लैंड सब्सिडेंस का कारण बताया है कि क्यों होता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आएगा कि एक बहुत बड़ा रेट जो है डिप्लीशन का वो प्रॉब्लम है कैपिटल में, दिल्ली के इलाके में, आज से नहीं बहुत सालों से, क्योंकि पॉपुलेशन निरंतर बढ़ रही है और अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट होगा कि इसी के अलावा नीति आयोग की भी एक रिपोर्ट आई है जिसने बताया है इस बारे में, ठीक है, और सबसे पुअर परफॉर्मिंग स्टेट बताया है उसको, मतलब काफी लो परफॉर्मेंस बताया है, सबसे पुअर परफॉर्मिंग नहीं पर लो परफॉर्मेंस बताया है। और साथ ही साथ फिर एक और रिपोर्ट की, हमारे कैग की रिपोर्ट ने भी ये मेंशन करा है लेटेस्ट, और उसने बताया है कि 6-8 स्टेट्स हैं जो इस उल्लंघन करते हैं नेशनल लेवल टारगेट्स का ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में, उसमें दिल्ली भी एक है, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल फिफ्थ पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, ए सी। देखो सबसे पहले और ज्यादा कुछ नहीं पता चला हमें, अगर ए सी कनेक्शन बना लिया तो यहाँ पे ए सी आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे ए के बाद में बी आ रहा है और यहाँ पे ए सी आ रहा है, और हमें हमारे सिचुएशन से पता चल गया कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। सो ऑप्शन ए ए सी ई डी बी इज करेक्ट। फिर पैराजंपल का क्वेश्चन है, इसमें नंबर 1 और नंबर 2 जो है करेक्ट ऑर्डर में दिया है, बाकी सबको हमें इसी बीच में अरेंज करना है, ठीक है। दिस ईयर्स नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अवार्ड्स स्टडीज दैट एस्टैब्लिश्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल्स, इट सेलिब्रेट्स थियोरेटिकल वर्क एज मच एज इट डज डेडिकेटेड ऑब्जर्वेशन। बोल रहे हैं इस साल का जो नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स गया है वो उन स्टडीज को गया है जिसने की ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस के बारे में एस्टैब्लिशमेंट किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइज केवल थियोरेटिकल स्टडीज को नहीं गया पर उन लोगों को भी गया जिसने बहुत ही डेडिकेटेडली इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स की हैं या कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस करी हैं, राइट। Within a couple of months after Einstein proposed his general theory of relativity in 1915, Karl Schwarzschild published a solution to the field equations that exhibited singularities. बोल रहे हैं आइंस्टाइन ने जब पहली दफा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में पब्लिश करी बताई, उसके कुछ ही महीनों बाद कार्ल स्वेजरचाइल्ड जो है एक साइंटिस्ट, उन्होंने अपना सल्यूशन टू द फील्ड इक्वेशंस के लिए अपना सल्यूशन पब्लिश करा जिनके द्वारा सिंगुलैरिटीज जो है एग्जिबिट की जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, और पॉइंट्स वेयर फिजिकल क्वांटिटीज ग्रू इनफाइनाइटली लार्ज और वैनिश, और या फिर ऐसे पॉइंट्स बताए जहाँ पे ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो तो या तो बहुत बड़ी नंबर में, बहुत बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगी, बहुत इनफाइनाइटली बढ़ जाएंगी, या फिर बिल्कुल गायब हो जाएंगी, ठीक है। दिस वॉज अ टाइम वेन द रियलिटी ऑफ ब्लैक होल्स एज अ सोल्यूशन टू एल्बर्ट आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज नॉट एक्सेप्टेड By many prominent physicists। हो रहे हैं ये वो दौर था, वो समय था जब आइंस्टाइन की जो ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, व्हेन द रियलिटी ऑफ ब्लैक होल्स, जो ब्लैक होल्स
आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सोल्यूशन निकल कर आता है ब्लैक होल्स का, उसको ज्यादातर जो मुख्य प्रमुख फिजिसिस्ट थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये उस दौर की बात की जा रही है। अब यहाँ से देखो, ए और बी स्टेटमेंट पढ़ के हमें एक चीज की क्लैरिटी हो गई कि यहाँ पे बताया गया एल्बर्ट आइंस्टाइन, पूरा नाम बताया गया, यहाँ पे यूज किया गया केवल आइंस्टाइन, यानी कि ए स्टेटमेंट जो है वो बी स्टेटमेंट के बाद में आएगी। ठीक है, अब कितना बाद में आएगी वो क्लैरिटी नहीं मिली है, बट ए स्टेटमेंट जो है बी स्टेटमेंट के बाद में आएगी। ठीक है, बाकी हम देखते हैं आगे। टुडे दिस इज अंडरस्टूड एज द इवेंट होराइजन बोर्ड, आज इसको हम एक क्षितिज की तरह देखते हैं। द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बियॉन्ड विच इवन लाइट कैन नॉट एस्केप द ब्लैक होल्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, बोल रहे हैं ऐसा पॉइंट जहां से हम कोई रिटर्न नहीं है, जिसके आगे जो है लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को, उस पॉइंट की हम चर्चा कर रहे हैं। व्हाइल मोर सॉल्यूशंस वर फाउंड टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन, ये भी मतलब बी स्टेटमेंट के बाद में आएगा। ठीक है, दैट सजेस्टेड ब्लैक होल्स दे ऑल रिक्वायर्ड स्पेशल सिमेट्रीज एंड देयर रियलाइजेशन अंडर जनरल एस्ट्रोफिजिकल कंडीशंस वॉज डाउटफुल, बोल रहे हैं। तो जब ज्यादा ज्यादा सोल्यूशन मिलने लगे आइंस्टाइन की इक्वेशन के, जिन्होंने बताया ब्लैक होल्स के बारे में, तो इन सब के लिए हमें एक स्पेशल सिमेट्री की जरूरत थी, और उनका उनको रियलाइज करना मतलब सही स्थापित कर पाना जनरल एस्ट्रोफिजिकल कंडीशंस में वो डाउटफुल था, यानी कि उनको स्थापित कर पाना मुश्किल था। बट हाँ, वैसी वैसी इक्वेशन जरूर सामने आने लगी, लेकिन उनको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल था। पेनरोज थ्रू द सिंगुलैरिटी थ्योरम्स आइडेंटिफाइड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रैप्ड सरफेसेस एज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स इन अ जेनरिक मैनर। पेनरोज कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने सिंगुलैरिटी थ्योरम के जरिए फॉर्मेशन ऑफ ट्रैप्ड सरफेसेस क्या आइडेंटिफाई किया, यानी कि वो वैसी जगहें जो फंस चुकी हैं कहीं पे, ट्रैप्ड हैं, उन जगहों का आइडेंटिफाई किया एज द कंडीशन, और किसके तौर पे, एक कंडीशन के तौर पे जिसके तहत ब्लैक होल जो है जेनरिक फॉर्म में, मतलब एकदम बेसिक फॉर्म में ब्लैक होल कैसे जनरेट होता है, फॉर्म होता है, उसके बारे में उन्हें पता लगाया। तो देखो यहाँ पे नाम लिया गया पेनरोज का। अब पेनरोज कौन है, क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट कुछ एंटिटी है, कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही। ठीक है, तो सी हमारा स्टेटमेंट ऐसा होगा जिससे पहले पेनरोज का कहीं पे जिक्र किया गया होगा। ठीक है, एंड्रिया गेस इज ओनली इट्स फोर्थ वुमेन रेसिपिएंट, तो ये बात आ गई है हमारे किससे, नोबेल प्राइज से। ठीक है, कि चौथी महिला रेसिपेंट है, किस चीज की रेसिपेंट है, नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं हम, तो नोबेल प्राइज की चौथी महिला रेसिपेंट है रॉजर पेनरोज। अब देखो यहाँ पर आया पेनरोज, यानी कि टी सी स्टेटमेंट जो है वो डी स्टेटमेंट के बाद, यहाँ पे सी और ए जो है वो बी से पहले आ रहे हैं, जबकि हमें पता है कि सी और ए बी के बाद में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही थी ना किसकी, एल्बर्ट आइंस्टाइन का पूरा नाम लिया गया था और यहाँ पे आइंस्टाइन आइंस्टाइन यूज किया गया था, तो ये भी इनकरेक्ट है। डी के बाद में ए बी सी, अब सी भी बाद में सी, अब जबकि डी से पहले आना चाहिए, बी के बाद में ए सी आ रहा है और डी के बाद में सी आ रहा है, तो ये ऑप्शन और बी ऑप्शन ये दोनों वैलिड है। ठीक है, अभी चलेंगे, लेकिन हमें एक चीज की क्लैरिटी और हो गई कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जहां पे हमने नोबेल प्राइज की बात की, उसके बाद में डी स्टेटमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसी के नोबेल प्राइज के विमेन रेसिपेंट की बात की जा रही है, जो कि चौथी महिला रेसिपेंट कौन है, एंड्रिया घेज। ठीक है, तो यानी कि डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा जो कि यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन डी में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट, ऑप्शन बी हमारा आंसर है, डी बी ए सी हमारा करेक्ट अरेंजमेंट है। ठीक है, रॉजर पेनरोज नाउ एट ऑक्सफोर्ड हु गेट्स हाफ द प्राइज इंजीनियसली यूज मेथड्स इन द 1960s टू थियोराइज अंडर वाटर कंडीशन ब्लैक होल मस्ट फॉर्म, बोल रहे हैं कि रॉजर पेनरोज जो अब ऑक्सफोर्ड में है, वहां पे काम कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, जो भी रिसर्च कर रहे होंगे, तो वो अब ऑक्सफोर्ड में है, जिनको इस ये जो नोबेल प्राइज है इसका आधा हिस्सा जा रहा है, उन्होंने बड़े ही चतुराई से मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया 1960s में,
जिससे कि वो थ्योराइज कर सके अंडर वाटर कंडीशन क्या थ्योराइज कर सके, किन सर्कमस्टांसेस में, किन कंडीशंस में एक ब्लैक होल बनता है, ये उन्होंने मैथमेटिक्स के जरिए स्थापित करने की कोशिश करी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कौन सा आता है, जहां पे बात की जाती है बी स्टेटमेंट में, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी बताई थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई थी, उसके सोल्यूशन के तौर पे कई दफा जो है ब्लैक होल का जिक्र हुआ, ब्लैक होल आया सामने, जिसको कि उस जमाने के मुख्य जो फिजिसिस्ट थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को या ब्लैक होल के कंसेप्ट को नहीं एक्सेप्ट करते थे। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है जहां पे बात करी गई कि क्योंकि जब आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई, उसके कुछ ही महीनों बाद कार्ल श्वेजरचाइल्ड ने पब्लिश करे अपना सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि आज इस दिन तक हम आज किस कहाँ पे खड़े, एक हॉरिजन पे खड़े हैं, जहाँ पे हम एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहाँ से पीछे हटना पॉसिबल नहीं है, और इससे अगर एक पॉइंट भी आगे गए तो हम ब्लैक होल में, जो ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसमें फंस जाएंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, उस पॉइंट पे आज हम खड़े हैं, फोर्थ पॉइंट। इन दिस क्लाइमेट केम ऑब्जर्वेशनल हिंट्स ऑफ सुपर मेसिव ब्लैक होल्स। तो इस पूरे माहौल में ऑब्जर्वेशनल हिंट्स यानी कि जो ऑब्जर्व किए गए चीजें वो हमारे सामने आई, किसकी, सुपर मेसिव ब्लैक होल की, थ्रू द डिस्कवरी ऑफ व्हाट वर इनिशियली कॉल्ड क्वासार्स दैट वर सुपर मेसिव एंड फाउंड एट सेंटर ऑफ गैलेक्सी। क्वासार्स क्या होते हैं, बहुत दूर टिमटिमाने वाले तारे जो कि बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा उनमें से रोशनी आती है, और कभी कभी वो रेडियो एक्टिव सिग्नल्स भी एमिट करते हैं। तो बोल रहे हैं कि हमें सुपर मेसिव ब्लैक होल्स की होने के संकेत मिले। वो कैसे मिले, कि इनिशियली हम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं सेंटर ऑफ गैलेक्सी में, हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम क्वासार रीजन्स मानते थे। ठीक है, रिसर्च से, डेवलपमेंट से पता चला कि वो सुपर मेसिव ब्लैक होल्स हैं जो कि गैलेक्सी के बीचों बीच बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, DBAC, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हिज पॉलिटिकल विजन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय राम मनोहर लोहिया एंड द सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स ही प्रैक्टिस्ड, प्रिविलेज्ड अब्रॉड ऑप्रेस्ड कास्ट आइडेंटिटी ओवर दलित एक्सक्लूसिविटी। अब देखो, हिज ही कौन, प्रोनाउन आ गया, नाउन का क्या है, नाउन नहीं पता, तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे ए फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसको हटा दो। ठीक है, अब सी में भी ही आ रहा है, ही रिकॉग्नाइज्ड, सी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, हटा दो इसको। डी में ही आ रहा है, डी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट। चलिए देखते हैं कि उनका जो विजन था वो मुख्यतः राम मनोहर लोहिया जी से प्रेरित था, और सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स वो प्रैक्टिस किया करते थे, जिसके तहत सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स से प्रेरित था। ही प्रैक्टिस्ड, वो प्रैक्टिस करते थे, वो मानते थे या पालन करते थे कि प्रिविलेज्ड अब्रॉड ऑप्रेस्ड कास्ट आइडेंटिटी, कि व्यापक तौर पे कास्ट जो है वो ऑप्रेस्ड है, ओबीसी के थे वो, दलित थे। ठीक है, तो दलित का बात करते थे, रादर देन दलित एक्सक्लूसिविटी, कि दलितों को अलग कर दिया जाए, एक्सक्लूसिव उनको कुछ दिया जाए, इससे वो बेहतर समझते थे कि ऑप्रेस्ड कास्ट आइडेंटिटी को ज्यादा वो प्रिविलेज देते थे, महत्व देते थे। इट प्रूव प्रोवाइडेड हिम द टैक्टिकल नर्व्स एंड स्पेस टू नेगोशिएट विद मोर इन्फ्लुएंशियल लीडर्स। तो इसकी वजह से उनका जो माइंड था वो बड़ा ही टैक्टिकल था, जिसकी वजह से उनको एक स्पेस मिल जाता था नेगोशिएट करने का ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर से फ्रॉम बैकवर्ड कास्ट इन बिहार। हिज पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जहां से उनका पॉलिटिकल जो क्षेत्र भूमि है उसकी बात करें, वो उनका बैकग्राउंड था बिहार। विदाउट लेटिंग हिज आइडेंटिटी ऑफ अ दलित पॉलिटिशियन बी सबसम्ड इन द जनता पार्टी और इट्स मेनी ऑफशूट्स। और उन्होंने देखो, बीजेपी के साथ में भी उन्होंने काम किया है, कांग्रेस के साथ में भी काम किया है, पर फिर भी उन्होंने अपनी दलित पॉलिटिशियन की जो आइडेंटिटी है उसको धूमिल नहीं होने दिया। इतनी बड़ी पार्टी या उसके सब में, मतलब उसके सब सिस्टम्स में पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी उन्होंने अपने दलित आइडेंटिटी को छोड़ा नहीं।
राम विलास पासवान हु पास्ड अवे ऑन थर्सडे, बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया कि हम राम विलास पासवान जी की बात कर रहे हैं, तो हिज ही यहाँ पे जो नाउन प्रोनाउंस है, यहाँ पे जो प्रोनाउंस है ये सब किसके बारे में बात की जा रही है, राम विलास पासवान जिनका मंगलवार को निधन हो गया, टॉलेस्ट दलित लीडर इन द कंट्री, वो देश में सबसे ऊंचे दलित लीडर थे, टॉलेस्ट दलित लीडर थे। हाउएवर हिज पॉलिटिकल ट्रेडिशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अम्बेडकराइट स्ट्रीम दैट हैज बिकम द डिफाइनिंग ईडियम ऑफ दलित पॉलिटिक्स इन द रिसेंट टाइम्स। उन्हें फिर भी उनका जो विचारधारा थी वो अम्बेडकर स्ट्रीम, जो आज के दौर पे अपने आप को अम्बेडकरवादी मानते हैं, उस धारा से विपरीत थी, ठीक है, अलग थी, विपरीत भी नहीं कह सकते, अलग थी, जो कि आज की डेट में दलित पॉलिटिक्स को डिफाइन करने की एक मुख्य स्थिति बन चुकी है कि दलितों को हम मुख्यतः अंबेडकर जी की जो सोचने की शक्ति थी, अंबेडकर जी की जो समझ थी, हम उसी से दलितों को जानते हैं, वही समझते हैं, बट उनकी जो विचारधारा थी रामविलास पासवान की, वो अंबेडकर जी की विचारधारा से अलग थी। He recognized the importance of political office to Dalit. उन्होंने इस बात को समझा कि दलितों के लिए political office की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। To Dalit emancipation and was arguably willing to compromise on ideology to be part of the government. उन्होंने इस बात को समझा कि दलितों की आज़ादी का political importance क्या है, ठीक है? Was arguably और ज़्यादातर वो बहुत मतलब अपने जो आइडियोलॉजी थी सरकार में पद पाने के लिए उससे भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थे। ही वॉज अ मिनिस्टर विद एज मैनी अ सिक्स प्राइम मिनिस्टर्स, यानी कि 6 दफा उनको मिनिस्ट्री मिली है, 6 बार 6 प्राइम मिनिस्टर्स अलग अलग चुने गए उस दौरान में, वो किसी न किसी पद पे किसी न किसी मिनिस्ट्री में शामिल रहे, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, ओवर हुज रोल इन 2002 गुजरात रायट्स ही क्विट NDA बोल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी भी उन प्राइम मिनिस्टर्स में शामिल है, यानी कि 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री रहे हैं उस दौरान में भी रामविलास पासवान के पास में कोई ना कोई पदभार था, कार्यभार था। और ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिनके गुजरात दंगों में नाम आने की वजह से, रोल होने की वजह से 2002 में रामविलास पासवान ने NDA छोड़ दी थी, ठीक है। He was a natural in coalition politics and वो बड़े ही जैसे बोलते हैं ना natural उनको process आता था कि जो ये गठजोड़ की politics थी उसमें बड़े ही natural थे, and not surprisingly became a notable presence in the coalition ministries led by the Janata Dal 1989 to 1990 and 1996 to 98. The BJP 1998 to 2002 and 2014 to 2020 and the Congress 2004 to 2014. देखो ये उनका ड्यूरेशन बना दिया कि बता दिया कि वो कब से कब तक मिनिस्टर रहे, कोएलिशन यानी कि गठजोड़ की सरकार में, गठजोड़ की जो पॉलिटिक्स हुई, जो संगठन की सरकार बनी उसमें वो 1989 से 1990 और 1996 से 1998 तक जनता दल के साथ मिनिस्ट्री में रहे किसी ना किसी मिनिस्ट्री में, बीजेपी के साथ 1998 से लेके 2002 और फिर 2014 से लेके 2020 तक वो किसी ना किसी मंत्रालय में रहे, उसके बाद कांग्रेस के साथ 2004 से 2014 में रहे, ठीक है। तो ये उनका पूरा करियर बता दिया गया, तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये तो हम सबको पता चल गया। इसके बाद में आएगा कि भाई वो क्या थे, उनका पॉलिटिकल विजन बताया गया, शुरुआत की गई क्योंकि वो बोला ना कि अम्बेडकराइट स्ट्रीम से अलग थे, उनका पॉलिटिकल विजन जो था वो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स से या राम मनोहर लोहिया की जो विचारधारा से उनसे प्रेरित था, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट, क्योंकि इसमें अम्बेडकर की जो विचारधारा थे उससे अलग विचारधारा, कौन सी विचारधारा से वो प्रेरित थे वो बता दिया गया, राम मनोहर लोहिया और सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स। इसके बाद में आता है हमारा सी पॉइंट कि उनको बहुत इम्पोर्टेंस ऑफिसेस उनने संभाले हैं क्योंकि उनको पता था कि पॉलिटिकल ऑफिस जो है वो ज़रूरी है दलितों को आज़ादी दिलाने के लिए, मतलब जो एक चाहे विचारों की आज़ादी बोल दीजिए चाहे पावर की आज़ादी बोल, लेकिन उसको दिलाने के लिए पॉलिटिकल ऑफिस ज़रूरी है, और अपनी विचारधारा से वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार थे किसी भी सरकार के साथ वो जुड़ने के लिए, ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट, और फाइनल पॉइंट हो गया कि कोएलिशन की, इसीलिए कोएलिशन की सरकारों में वो नेचुरली एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर की तरह सामने आए, ठीक है। तो बी ए सी डी ऑप्शन सी इज करेक्ट।
अब्सर्ड का मतलब होता है नॉन सेंसिकल या फिर इलॉजिकल, अनरीजनेबल कोई बात कहना। तो इसका एंटोनिम बताना है तो सेंसिबल, ठीक है, नॉन सेंसिबल का क्या हो गया, सेंसिबल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। टॉलरेबल यानी कि किसी चीज को सहन करना। एडोरेबल, एडोरेबल मतलब कि बड़ा प्यारा क्यूट सा। लवेबल मतलब जिस चीज को आप बहुत प्यार करें, बहुत चार्मिंग हो, लवेबल, ठीक है। सो ऑप्शन ए सेंसिबल इज करेक्ट। अश्वगंधा इज एन एडेप्टोजेनिक हर्ब दैट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स लाइक इम्प्रूविंग थायराइड फंक्शनिंग एंड रिड्यूसिंग ब्लड शुगर लेवल्स। अश्वगंधा बोल रहे हैं कि एक एडेप्टोजेनिक हर्ब है। एडेप्टोजेनिक मतलब ऐसी औषधियाँ, ठीक है, हर्ब्स के लिए यूज किया जाता है बेसिकली, ऐसी औषधियाँ जो कि स्ट्रेस को कंट्रोल करने में काम करती हैं, ठीक है। दैट हैज मल्टीपल, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वो थायराइड फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है। बट रिमेम्बर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट व्हाइल डिसाइडिंग द डोसेज एंड ड्यूरेशन ऑफ कंटिन्यूड इनटेक। हो रहा है, लेकिन आप ये जरूर याद रखें कि इसको, इसका डोजेज चुनने से पहले कि कितनी क्वांटिटी में आपको खाना है, कितने समय तक आपको उसको लेना है, ये सब चीजें सुनने से पहले, सोचने से पहले, चुनने से पहले अपने कंसल्ट, आपने किसी भी स्पेशलिस्ट को जरूर कंसल्ट करना है। इट रिलैक्सेस द नर्वस सिस्टम एंड लोअर्स कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स इन द ब्लड। बोल रहे हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और हमारा जो कॉर्टिसोल है उसको लोअर करता है। कॉर्टिसोल क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है, उस लेवल को भी कम करता है हमारे ब्लड में, दस मेकिंग यू फील काम एंड रिलैक्स ओवरऑल, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल थोड़ी शांति, कामनेस, रिलैक्स फील होता है। यू कैन कंज्यूम अश्वगंधा पाउडर और अश्वगंधा कैप्सूल। आप अश्वगंधा पाउडर या अश्वगंधा कैप्सूल्स खा सकते हैं, बट रिमेम्बर, देखो आपको बोल रहे हैं कि आप खा सकते हैं, लेकिन जरूर अपने स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें कितनी क्वांटिटी में खाना है, कितने समय तक खाना है उसके। तो हमें एक चीज की क्लैरिटी हो गई कि डी के बाद में बी स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि डी में बोला गया कि आप अश्वगंधा का पाउडर या अश्वगंधा का कैप्सूल खा सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने कंसल्ट, अपने स्पेशलिस्ट से जरूर कंसल्ट करना है, ठीक है। तो डी के बाद में बी, यहाँ पे डी के बाद में बी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे डी के गैप के बाद में बी आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे डी के बाद में बी आ रहा है, यहाँ पे भी गैप के बाद में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ए फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी ए फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओके। लेकिन ए के बाद में हमारा सेकंड स्टेटमेंट डी नहीं है, ए के बाद में सेकंड स्टेटमेंट हमारा सी है। क्यों? क्योंकि इसी स्टेटमेंट में बताया गया किसके बारे में, कि देखो यहाँ पे बोला गया ना कि थायराइड फंक्शनिंग इंप्रूव करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। तो अश्वगंधा की प्रॉपर्टीज ही आगे फर्दर बता रहे हैं। तो ए के बाद में डी नहीं आएगा, ए के बाद में क्या आएगा? सी। तो ऑप्शन सी, ए सी डी बी इसका। हर पेरेंट्स फॉरबेड हर टू मैरी हर लवर। एंटोनिम बताना है, फॉरबेड मतलब होता है मना कर दिया, पाबंदी लगा दी कि आप इससे शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? उसको परमिशन दे दी, अलाउ कर दिया। प्रिवेंटेड मतलब बचाना, किसी को रोकना। रिफ्यूज मना करना, अस्वीकार करना। डिक्लाइन अगेन मना करना, अस्वीकार करना, नकारना। अलाउड मतलब परमिशन देना। सो ऑप्शन डी अलाउड इज करेक्ट। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता, वो इतना स्ट्रांग है कि उसको हराया नहीं जा सकता, या फिर बोलते ना कि वो इनविंसिबल, उसको खरीदा नहीं जा सकता, उसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है, टाल नहीं सकते। हेड स्ट्रांग, हेड स्ट्रांग मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो बड़ा ही जिद्दी हो। विगरस यानी कि ऊर्जावान। सोवरन यानी कि हमारे जो सर्वोच्च हुए, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इनविंसिबल इज करेक्ट। यू हैव अडॉप्टेड द प्लान, अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो द प्लान आगे आ जाएगा। द प्लान हैव है ना, ठीक है, पास्ट फॉर्म में है, तो द प्लान सिंगुलर है। द प्लान हैज बीन, फिर क्या होगा? अडॉप्टेड बाय यू। द प्लान शुड बी, करना चाहिए की बात नहीं हो रही है, करना चाहिए नहीं, किया गया है, ठीक है। द प्लान इज अडॉप्टेड बाय यू, प्रेजेंट में नहीं आएगा। द प्लान हैज बीइंग नहीं आएगा। द प्लान हैज बीन अडॉप्टेड बाय यू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। एंजाइटी, एंजाइटी की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। प्रिपरेशन करेक्ट है। वॉलेंट्री करेक्ट है। स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब होता है जो हम अपने आइटम्स,
स्टेशनरी आइटम्स खरीदते ना, बुक्स, पेंसिल, ये सब चीजें, तो यहाँ पे क्या आएगा, STATIONERY, ठीक है। अब ये दूसरा वाला स्टेशनरी, स्टिल वाला स्टेशनरी भी हो सकता था, बट हमने वो क्यों नहीं कंसिडर करा, क्योंकि उसमें NERY नहीं होता, NARY होता, ठीक है। ये एक तो ये स्टेशनरी हो गया, जो कि होता है पेंसिल, कॉपी, नोटबुक्स, ये सब चीजें, ठीक है। हमारा जो स्कूल सप्लाई है, पेंसिल, नोटबुक्स, डायरीज, ये सब चीजें, ठीक है। और दूसरा है STATIONERY, स्टेशनरी, जो कि होता है किसी एक जगह पे स्थिर रहना, ठीक है। स्थिर कैसे लिखते हैं, स्थिर, मेरे को हिंदी के लिए माफ कर देना, जो एक जगह पे स्टिल रहते हैं ना, स्टिलनेस जो होती है, स्थिरता होती है, स्टिल होता है, उसको बोला जाता है स्टेशनरी, ठीक है। जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है, वो क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के कंपैरिजन में उसी टाइम ड्यूरेशन में 24 घंटे का टाइम कवर करती हैं, बट उस पॉइंट से देखने पर वो बिल्कुल उसके पैरेलल में ही है, स्टेशनरी है, ठीक है, तो एक जगह पे स्थिर है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी स्टेशनरी इज करेक्ट। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू मतलब उसने आउट ऑफ द ब्लू मुझसे ये चीज पूछ ली, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली मुझसे ये चीज पूछ ली, तो अनडाउटेडली, अनडाउटेडली नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेडली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे, तो हैड के साथ में पास्ट फॉर्म आएगा, तो पास्ड अवे, ठीक है, हैड पास्ड अवे, ऑप्शन कहां पे एरर है, ऑप्शन बी में एरर है, पास अवे की जगह क्या होगा, पास्ड अवे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। We dash off old clothes and bought new ones for Diwali. अब दिवाली में आप पुराने कपड़ों का क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं, ठीक है, उनसे अलग हो जाते हैं, उनको दे देते हैं किसी को, तो उसको बोला जाता है cast off. क्या बोला जाता है, cast off, ना कि cost off, ये तो cost है, मतलब खरीदने का जो पैसा लगता है cost, ये है cost, जो समुद्र किनारा तट होता है ना, तटीय इलाका, उसको बोला जाता है cast, जाति, ये है cast, यानी कि cast off मतलब कपड़ों से हमने अपने पुराने कपड़े त्याग दिए या किसी को दे दिए, सो ऑप्शन डी कास्ट ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स इज करेक्ट। लुइस वाज एंथ्रल्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ अ रेज डॉट सिस्टम्स, यानी कि लुइस जो है एंथ्रल्ड मतलब कैप्टिवेटेड, यानी कि मंत्रमुग्ध हो गया, किससे मंत्रमुग्ध हो गया, ये जो रेस्ड डॉट्स का जो कंसेप्ट था, उभरी हुई बिंदुओं का जो कंसेप्ट था, उससे वो मंत्रमुग्ध हो गया। अब आपको पता है उभरे हुए बिंदुओं वाला कंसेप्ट कहाँ यूज होता है, ब्रेल में यूज होता है, राइट, जिससे अंधे लोग पढ़ सकते हैं। ही मेड अप हिज माइंड टू यूज द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एन अल्फाबेटिक कोड, तो उसने अपना मन में विचार बना लिया कि अब वो इस टेक्निक का, ये उभरे हुए बिंदुओं का जो कंसेप्ट है, इसका इस्तेमाल करते हुए एक अल्फाबेटिक कोड का डेवलपमेंट करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। ब्लाइंड पर्संस कुड रीड लार्ज लेटर बुक्स दैट आर बल्की विद द एड ऑफ दिस अल्फाबेट कोड, अब इसकी वजह से क्या होगा, इससे अंधे लोग जो है वो पढ़ पाएंगे, बड़े बड़े अक्षरों वाली किताबों को पढ़ पाएंगे, दैट आर बल्की, जो कि भारी होंगी, क्यों, लेकिन किसकी मदद से पढ़ पाएंगे, इस अल्फाबेटिक कोड जो कि उनने, इसने, लुइस ने डेवलप करा। एडिशनली ही डेवलप्ड द सिक्स डॉट सेल टेक्नोलॉजी, फिर इसके बाद में, क्योंकि उनने पहले ये ब्लाइंड अल्फाबेटिक कोड का डेवलपमेंट करा, उसके बाद में, जिससे किसको फायदा हुआ, अंधे लोगों को पढ़ने में फायदा हो, उसके बाद में उन्होंने डेवलपमेंट करा सिक्स डॉट सेल टेक्नोलॉजी का, विच वॉज एट हिज फिंगर टिप्स, जो उनको बिल्कुल मुंह जुबानी याद थी, उनके फिंगर टिप्स पे थी, यानी कि बिल्कुल आंख बंद करके भी वो उस चीज को पढ़ सकते थे। देखो, फर्स्ट तो आ जाएगा कि लुइस जो है इस उभरे हुए डॉट के कंसेप्ट से बड़ा मंत्रमुग्ध हुआ, उन्होंने अपना दिमाग, मन में विचार बना लिया कि वो अल्फाबेटिक कोड डेवलप करेंगे, इस अल्फाबेटिक कोड की वजह से आज तक ब्लाइंड जो लोग हैं वो पढ़ पाते हैं बड़ी बड़ी किताबें। एडिशनली इसके बाद में उन्होंने सिक्स डॉट टेक्नोलॉजी, सेल टेक्नोलॉजी डेवलप करी, तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है वो ABCD करेक्ट फॉर्म में है, यानी कि ABCD ऑप्शन सी। फेलिसिटेट, फेलिसिटेट मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना। कोटर्मिनस, कोटर्मिनस का मतलब होता है कि इक्विडिस्टेंस, यानी कि एक एक सेम टाइम या सेम स्पेस का उसमें अंतर हो, ठीक है, या सेम ड्यूरेशन के बाद में वो हो रहा हो कोई चीज, तो यानी कि समान अंतर पर कोई चीज होगी, उसको बोला जाता है कोटर्मिनस। तो यहाँ पे COTERMINUS
MINUS होता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. एम्बियंट मतलब हमारी सराउंडिंग्स, अनाउंस मतलब की घोषणा करना. सो ऑप्शन बी कोटर्मिनस इज करेक्ट. द बॉक्सर शोड ओडेसिटी बाय अग्रीइंग टू फाइट द चैंपियन. ओडेसिटी मतलब की साहस, ठीक है, तुम्हारा इतना, तुम्हारी ओडेसिटी, यू हैव द ओडेसिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब तुम्हारे में इतना साहस है कि तुम मेरे आगे बोल सको. तो ओडेसिटी मतलब साहस. तो इसका सिनोनिम बताना है ऑनेस्टी, ईमानदारी, डेस्परेशन, उत्सुकता, जिज्ञासा, करेज. ऑनेस्टी ईमानदारी, डेस्परेशन निराशा, करेज बहादुरी, ओडेसिटी. रेपरेशन, रेपरेशन मतलब मुआवजा. सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेज इज करेक्ट. द मैसिव रैंसमवेयर अटैक दैट हैज क्रिपल्ड ई हॉस्पिटल सर्विसेज ऑफ एम्स दिल्ली हो रहे हैं, जो एक बड़ा ही भयानक या बहुत बड़ा एक रैंसमवेयर अटैक हुआ किसके ऊपर, एम्स दिल्ली के ऊपर. एम्स दिल्ली जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर, उसके ई हॉस्पिटल सर्विसेज के ऊपर. हाइलाइट्स द डैश वल्नरेबिलिटी ऑफ द कंट्रीज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये दर्शाता है इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी हो सकता है, बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटी, या फिर किस तरीके की वल्नरेबिलिटी उसके बारे में बात की जा रही है. वल्नरेबिलिटी मतलब रिस्क पर होना. क्या चीज रिस्क पर है? देश का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क पर है, एंड पॉसिबली अदर क्रिटिकल आईटी सिस्टम्स, और बाकी क्रिटिकल आईटी सिस्टम्स भी रिस्क पर है टू साइबर क्रिमिनल्स. अब हमने जब 2-3 दिन पहले आधार के बारे में बात करी थी, तब भी हमने बात करी थी कि उधर भी राइटर ने ये चीज कही थी कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस स्टोर करना फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है. बिकॉज अगर अटैक होगा तो सीधे एक ही जगह पर होगा. अब क्योंकि अलग अलग जगह पे डेटा स्टोर नहीं रहेगा, तो जो भी, जिनों को भी हमसे कुछ डेटा चाहिए, वो हमारे डेटा का मिसयूज करना चाहते हैं, वो एक ही जगह पर अपना सारा का सारा फोकस करेंगे, ना कि अलग अलग जगह पे, ठीक है. तो वो उस एक ही जगह को प्रोटेक्ट करना बहुत रिस्की काम हो जाएगा, और कभी खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो फिर उस चीज से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. तो वही चीज यहाँ पे दोहराई जाती है कि हमारा देश का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तो वल्नरेबिलिटी पे है ही है, साथ ही साथ अदर बाकी जो आईटी सिस्टम्स हैं, बहुत क्रूशियल आईटी सिस्टम्स हैं, वो भी खतरे में है. द प्रीमियर पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट डैश टू अराउंड 15 लाख आउट पेशेंट्स एंड 80,000 इन पेशेंट्स एवरी ईयर. ये देश का प्रमुख पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है एम्स, जिसके अंदर लगभग लगभग 15 लाख आउट पेशेंट्स होते हैं और 80,000 इन पेशेंट्स होते हैं हर साल, ठीक है. कॉन्सिक्वेंटली देयर आर फियर्स दैट द अटैकर्स कुड सेल द नाउ फोर्स इनक्रिप्टेड एम्स डेटाबेसेस दैट कंटेन डैश इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है, क्रूशल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, बोलते. तो अब इसके परिणाम स्वरूप अब ये डर बरकरार है, बना हुआ है कि जिन अटैकर्स ने अटैक किया और जिन्होंने इसके सारे डेटाबेसेस को फोर्स इनक्रिप्टेड कर दिया, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो इसको बेच सकते हैं कैसी जगहों पे, ऐसे लोगों को जो हमारे अगेंस्ट में इसको मिसयूज कर सकते हैं. और ये कैसा डेटा है जिसमें कि पेशेंट्स की, जिनमें पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंफॉर्मेशन या फिर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन उनकी लिखी होती है. सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए एंड जजेस एंड देयर हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स ऑन द डार्क वेब. डार्क वेब पे इनका सारा डिटेल वो बेच सकते हैं. ऑफ कोर्स व्हाट हैज हैपेंड टू एम्स इज हार्डली अ लोकल फिनोमिनन. जाहिर सी बात है, जो एम्स में हुआ वो हमारे लोकल स्तर पे होने वाली घटना नहीं है. अ डैश इंक्रीज इन साइबर अटैक्स ऑन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड डैश ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक. हमने देखा था कि बहुत ज्यादा जो साइबर अटैक्स हो रहे थे कोविड-19 के दौरान पे वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के ऊपर. द इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर वॉज द सेकेंड मोस्ट टारगेटेड ग्लोबली. और जो इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर है वो दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा टारगेट किए जाने वाला सेक्टर है.
इट इज क्लियर दैट इंडियन हॉस्पिटल्स आर वल्नरेबल टू साइबर सिक्योरिटीज। तो साफ है ये बात कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो साइबर सिक्योरिटी के खतरे पर है। गवर्नमेंट एंड हॉस्पिटल्स नीड टू यूज बेस्ट प्रैक्टिसेस टू वार्ड ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। तो गवर्नमेंट्स और हॉस्पिटल्स दोनों को ही ये प्रयास करने चाहिए कि वो बेस्ट पॉसिबल तरीके इख्तियार करें जिससे कि इस तरीके का जो फ्यूचर में होने वाला क्राइसिस है उसको वार्ड ऑफ यानी कि उसको टाला जा सके, दूर किया जा सके। The massive ransomware attack that has crippled e-hospital services of AIIMS Delhi highlights the dash vulnerability, increasing vulnerability, बढ़ती हुई vulnerability है ना, बढ़ता हुआ खतरा risk जो है, strengthening मजबूत होता हुआ, shining चमकता हुआ, developing उभरता हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे increasing की बात हो रही है कि बढ़ती हुई जो risk है हमारे देश के healthcare infrastructure के ऊपर उसकी तरफ इशारा करता है। The premier public healthcare institute dashed to around 15 lakh catered मतलब past की बात होगी, हम past की बात नहीं कर रहे, वो करते हैं हर साल, ठीक है। catering present form में बात नहीं हो रही, general term use की जा रही है, has catered caters तो यहाँ पे होगा caters to around 15 lakh। caters का मतलब होता है कि जरूरतों को, किसी की विशेष जरूरतों को पूरा करना। तो यहाँ पे 15 लाख आउट पेशेंट्स और 80,000 इन पेशेंट्स हर साल इनके हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाती हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी केटर्स इज करेक्ट। देयर आर फियर्स दैट अटैकर्स कुड सेल द नाउ फोर्स इनक्रिप्टेड एम्स डेटाबेस दैट कंटेन्स डैश इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, पब्लिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है, PERSONAL, पर्सनल, ठीक है। पर्सनल का ये वाला पर्सनल मतलब होता है स्टाफ या एम्प्लॉय, ये है पॉलिटिकल, ये है पब्लिक। सो यहाँ पे ऑप्शन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है। अ डैश इंक्रीज इन साइबर अटैक्स ऑन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स, अ ग्रैंड इंक्रीज, ए ग्रैंड इंक्रीज, तो ग्रैंड का मतलब होता है बहुत ही शानदार इंक्रीज हुआ, तो हम साइबर अटैक्स में इंक्रीज हुआ तो वो शानदार तो नहीं होगा। वेटी, वेटी का मतलब होता है कि बहुत ही सीरियस है, इम्पोर्टेंट। मैसिव, मैसिव मतलब कि भारी मात्रा में, ठीक है। और बल्क, बल्क मतलब बहुत हैवी, ठीक है। सो यहाँ पे मैसिव इंक्रीज हुआ है, बहुत भारी मात्रा में इंक्रीज हुआ है साइबर अटैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। वर्ल्ड वाइड डैश ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, वर्ल्ड वाइड has witnessed, is witnessed, was witnessed, has been witnessed. So option D has been witnessed होगा, because present perfect passive tense यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। So COVID के दौरान में has been witnessed, देखा गया था, so option D is correct. That's all, आज के session में इतना ही, thank you so much for watching. अगर content पसंद आया हो तो like, share और subscribe जरूर कीजिएगा। PDF और audio एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक, डायरेक्ट लिंक, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है ऐप, या फिर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।